क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि जो भी उत्तर प्रदेश का अध्यादेश आया है 2018 को लेकर, उसको लागू नहीं करा जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। हम लोग स्कूल अभिभावक सारे कॉम्पिटेंट पब्लिक स्कूल से आए हैं जो कि सीवीगंज क्षेत्र बरेली में है, और हमारी समस्या ये है कि स्कूल ने हमारे 300% की वृद्धि कर दी है, जिसको हमने स्कूल में शिकायत करी लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। बोले हमारे 300% जो फीस बढ़ाई है उसको अब जमा करिए, अन्यथा आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल सकते हैं या फिर अपने प्रशासन से जाके कंप्लेंट की सकते हैं आप हमारी। हमने अभी 26 मार्च को जिलाधिकारी जी को एक विज्ञप्ति दी थी लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ। उसके बाद अभी हमने 5 दिन पहले कमिश्नर साहब को भी सैटरडे को हमने विज्ञप्ति दी थी लेकिन उसका भी कोई पालन नहीं हुआ। आज हम DIO के जिला विद्यालय निरीक्षक पर आए हुए हैं सभी अभिभावक, और हम बड़ा परेशान हैं क्योंकि हमारी फीस को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जब तक अध्यादेश आ गया है, अध्यादेश का पालन जिला स्तर पर नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है ये हम जानना चाहते हैं और हमारी शिकायत को निरस्त करा जाए। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम शर्मा है और हम सभी कॉम्पिटेंट अभिभावक गढ़ आए हुए हैं, यहाँ पर 50 लोग तब हुए हैं और सारे अभिभावक परेशान हैं। और हमारे स्कूल में जो है जबरदस्ती फीस जबरन ली जा रही है और दबाव किया जा रहा है कि आप फीस जमा करिए, और सिंपल एक बाउचर पर फीस जमा कर रहे हैं जिस पे कोई भी नहीं है, फेसबुक नहीं दे रहे हैं, फेसबुक नहीं छपाई है, फेसबुक दे ही नहीं रहे हैं सारे स्कूल में। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करने जा रहे हैं? हम यहां पर बैठेंगे धरना। अगर हमारी ये लाज विज्ञप्ति अगर कोई भी नहीं है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि ना हमने जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया ना उन्होंने हमारी सुनी ना कमिश्नर साहब ने। आज हम जिला निरीक्षक के पास आए क्योंकि इन्होंने जो किया है कि हमारे पास शिकायत कीजिए हम उसका निस्तारण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट दर्ज हो जाती है लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं होता है, महीनों तक पड़ी रह जाएगी। स्कूल वाले दबाव बना कर फीस जमा करवा रहे हैं और सिंपल बाउचर पे दे रहे हैं। हमारा मांग है कि जिला प्रशासन जिला विद्यालय निरीक्षक इस ध्यान में दे और जो अध्यादेश आया है उसका पालन कराए, क्योंकि ये अध्यादेश का अपमान किया जा रहा है स्कूल में। क्या साठगांठ हुई है स्कूल वालों से हम नहीं जानते हैं। अगर अध्यादेश आया तो पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? लेकिन पता यही लगी कि हम सबसे निबट लेंगे, स्कूल वाले कहते हैं हम सबसे निबट लेंगे। स्कूल वाले राजी नहीं है, हम भूख हड़ताल में एसडीओ के बारे में सबसे निबट लेंगे, स्कूल वाले कहते हैं हम सबसे निबट लेंगे। तो हमारी जिला इसका मतलब क्या है? मांग है कि हमारी जो विज्ञप्ति हम विज्ञापन देने उन्हें आए हैं उसका हमारा निस्तारण करें, जो 300% की फीस वृद्धि स्कूल ने करी है उसकी जांच कराएं। और ये जो स्कूल है कैंपर एंड एलाइट प्रोडक्ट ट्रस्ट के द्वारा संचालित हुआ था, जिसका पहले स्कूल का नाम मालतीदारा था। एक कॉम्पिटेंट ग्रुप जो एक निर्माण एजेंसी है उसने असंवैधानिक तरीके से ट्रस्ट पे और स्कूल पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद अचानक से स्कूल का नाम बदल के मालती दलाल से कॉम्पिटेंट पब्लिक स्कूल कर दिया, जो कि गैर कानूनी है, और ट्रस्ट पे कब्जा कर लिया और फीस 300% बढ़ा दी इन्होंने।